वेलकम टू बी डी वी ऑल अपडेट अप टू डेट यूट्यूब चैनल। जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि बाइक बोट की करंट अपडेट है जो हम इस वीडियो के द्वारा आपके साथ शेयर करेंगे। तो कुछ बिजी होने की वजह से थोड़ा लेट वीडियो बना के दे रहे हैं, लेकिन आपके साथ ये वीडियो की अपडेट जो है वो शेयर करेंगे कि जो बाइक बोट कंपनी है जो कि अपने इन्वेस्टर को पहले बहुत फ़ायदा दे रही थी, महीने का तकरीबन 10,000 रुपया उनके पास आ रहा था, जो 1,24,200 रुपये के करीब उनको वापसी देने का उन्होंने वादा किया था। अभी एबीपी न्यूज़ का नई अपडेट है, ये आप सुने कि क्या कह रही है बाइक बोट। अब बाइक बोट कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं मीडिया के सवालों से इसलिए बच रहा हूं क्योंकि मैं लोगों के बीच किसी तरह का भय और गलतफहमी नहीं फैलाना चाहता हूं। अभी तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को चेक दिए जा चुके हैं। जल्द ही दूसरे निवेशकों को रकम लौटा दी जाएगी। संजय भाटी की सफाई के बाद बाइक बोर्ड की वेबसाइट पर भी अब सेटलमेंट के मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। कंपनी की तरफ से सभी निवेशकों को 31 मार्च को बाइक बोर्ड के ऑफिस में आने के लिए कहा गया है। वेबसाइट पर दिख रहे मैसेज में लिखा है, आपसे निवेदन है कि जो लोग अपने पैसे का सेटलमेंट प्रॉपर्टी शेयर्स अथवा ई बाइक के रूप में करना चाहते हैं वो निम्न विकल्पों में से अपना चुनाव। तो इस प्रकार से बाइक बोट के जो सीएमडी हैं श्री संजय भाटी जी, उन्होंने बोला है कि मेरा इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मैंने इससे इस्तीफ़ा ले लिया है। और 12 मार्च की लाइव की ये एबीपी न्यूज़ की खबर है। अभी उन्होंने बोला है कि 31 मार्च को 2019 को एक गर्वित कैंप में इनके ऑफिस में बैठक हो रही है जिसमें सभी आके अपनी राय दे सकते हैं। अभी इस कंपनी ने जो लॉगिन पैनल में ये अपनी जानकारी दी है, ये है कि आप इनके इन्वेस्टरों को जो है ये प्रॉपर्टी के द्वारा भी पैसा वापस देंगे। जैसे 4-5 इन्वेस्टर मिलकर जिनके ज़्यादा पैसा है वो मिलकर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और फिर इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा के उसको बेच के अपना पैसा जो है वापस ले सकते हैं। जैसे इस मार्ग इनके शेयर खरीद सकते हैं, शेयर खरीद कर जो उसके शेयर को बेच कर अपना पैसा पूरा कर सकते हैं, या ई बाइक भी खरीद सकते हैं, जैसा ग्राहकों का दिल करे वैसा कर सकते हैं। लेकिन ई बाइक क्या है, जैसे 1,24,000 किसका फंसा हुआ है तो उतने की वो बाइक खरीद कर अपना पैसा जो पूरा कर सकता है। फिर उसको जो है सब्सिडी भी, ये बोल रहे हैं कि सब्सिडी भी उनको दी जाएगी जब वो रजिस्टर करवाएंगे बैंक में। तो इस प्रकार की ये अपडेट है जो आप लोगों ने आपके सामने शेयर करी है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, नई अपडेट आप ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस आज की वीडियो में इतना ही, जैसे कोई नई जानकारी आपके सामने शेयर किया जाएगा। धन्यवाद।